तेज थी, इतनी तेज थी कि बस पूछो ही मत, जब फूटे तो ज्वालामुखी की तरह फूटे। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े उससे दुखी रहते, दिन भर झगड़ा करती, आज इस पड़ोसन से लड़ाई, आज उससे लड़ाई, जब तक उसका पड़ोसन से लाठी चार्ज ना हो उसका दिन ही शुरू नहीं होता, बड़ी दुखी। लेकिन एक सबसे बड़ा दुख ये था कि आत्मदेव के घर में संतान नहीं थी। बड़ी कोशिश की, एक दिन सोचा अब तो जीना व्यर्थ है, आत्महत्या के लिए चल पड़े, नदी के किनारे गए, एक संत मिल गए, कहा महाराज मुझे एक बेटा चाहिए। संत ने समझाया, अरे अरे ब्राह्मण क्या करोगे बेटा लेके, संत के पास आप किसी भी भाव से जाओ वो आपको भगवान की तरफ मोड़ ही देगा, ये संत का लक्षण है। संत के पास जाओगे लौकिक इच्छा लेके, संत कहेगा अरे बेटा क्यों कांच के पीछे भाग रहे हो, अरे इस हीरे को पकड़ो जो जो मेरे पास है, इस हीरे को लो। श्री सनातन गोस्वामी, इनके पास एक व्यक्ति आया जिनका नाम जीवन ठाकुर बाद में हुआ दीक्षा लेने के बाद। इसको 7 बेटियां थी और 7 का विवाह होने जा रहा था, घर में एक अन्न का दाना नहीं, अब क्या करूं कैसे करूं। सनातन गोस्वामी के पास आया, महाराज आप ही कुछ दे दो, आपके पास कुछ जादू हो, कुछ कमंडल में कुछ अंगूठी पंगूठी पड़ी हो जो मैं भी धनवान हो जाऊं। संत ने कहा कि बेटा चल तुझे इतनी इच्छा है तो ऐसा कर, जा वो जो झाड़ियां खड़ी हैं, झाड़ियों के पीछे एक पारस मणि पड़ी है, पारस मणि जानते ना क्या होती है, पारस मणि इतनी ताकतवर होती है, उसके अंदर ये शक्ति होती है किसी भी लोहे से स्पर्श करो तो लोहा सोने का बन जाए, लोहे के ये खंभे से पारस मणि स्पर्श करोगे तो पूरा खंभा सोने का बन जाएगा, ऐसी मणि, जाओ झाड़ियों के पीछे पड़ी है, मेरी तो कुछ काम की नहीं, मैं तो कभी कभार उधर जाता हूँ तो तुम वो ले जाओ। उसने मणि उठाई, आहा प्रसन्न हो गया, हाथ में एक अंगूठी थी लोहे की, सोचा देख तो लूं कि असली है कि नकली, जैसे स्पर्श किया अंगूठी सोने की बन गई, बस खुशी का ठिकाना नहीं, नाचता कूदता जाता गया। अचानक मन में विचार आया कि अरे इतनी कीमती चीज को संत ने झाड़ियों के पीछे फेंक दिया, इतनी कीमती चीज को, इसका मतलब तो पक्का संत के पास इससे भी अच्छी कोई और चीज है, इससे भी बढ़िया मनी है, अब तो वो ही लूंगा। वापस आ गया, पकड़ो महाराज अपनी मणि, ये इससे जो बढ़िया वाली मणि है वो मुझे। सनातन गोस्वामी बोले अरे भैया क्या जरूरत है, तू तो जिस काम के लिए आया था मैंने काम पूरा कर दिया, अब तू अपने घर जा, बेटियों की शादी कर, नहीं इससे भी महंगी वाली मणि चाहिए। तब सनातन गोस्वामी ने कहा अच्छा इससे बढ़िया वाली मणि चाहिए, बोले हाँ। बस उसका हाथ पकड़ा और उसके कान में एक बार बोल दिया, हाथ उठा के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ले जा ये ऐसी मणि है, ये इस दुनिया का ऐसा धन है जिसके सामने पारस मणि, चिंता मणि, ये सुख, ये सब कुछ निछावर, कुछ भी नहीं है जो इसके सामने, मेरे पास ये हरि नाम की मणि है। बस चरणों में लेट गया, तो महाराज आज मुझे बस यही मणि दे दो। और तब सनातन गोस्वामी ने जीवन ठाकुर को दीक्षा दी। अच्छा उस मणि का क्या हुआ, उस मणि को यमुना जी में फेंक दिया, ये बात पता चल गई अकबर को, ये सच्ची घटना है, अकबर को पता चली तो उसने अपने हाथी भेजे कि उनको पानी में उतारो मणि ढूंढो। तो कहा जाता है एक
पुस्तक में लिखा है कि जब हाथी आए उनके गले में मोटी मोटी चेन थी, और जब उनको यमुना जी में भेजा गया खूब मणि ढूंढी कहीं नहीं मिली, लेकिन न जाने कैसे उन हाथियों की जो लोहे की चेन थी वो मणि से स्पर्श हो गए, और सारे हाथियों की जो लोहे की चेन वो सोने की बन गई, लेकिन मणि नहीं मिली। तो संत का तो ये लक्षण है, संत और पारस में यही है अंतर जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। पारसवणी तो लोहे को कंचन करती है, संत का स्पर्श जिससे हो जाए वो तो उसे अपने जैसा अपने रंग में रंग लेता है। ऐसे संत ने आत्मदेव को बड़ा समझाया, समझ में नहीं आया, एक फल दिया कि जा इसको अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे बेटा हो जाएगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि फल लाके धुंधली को दिया, धुंधली ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया, छोटी बहन का बेटा गोद लिया उसका नाम हुआ धुंधकारी, और गाय जिसको फल खिलाया उसके बेटे का नाम हुआ गोकर्ण। धुंधकारी बड़ा बड़ा राक्षस था, पांच वेश्याओं ने उसे मिलके मारा और वो ब्रह्म राक्षस बना। उस ब्रह्म राक्षस की मुक्ति के लिए गोकर्ण महाराज ने कथा कराई और श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से 7 दिन में ही धुंधकारी का उद्धार हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका उद्धार भी परीक्षित और धुंधकारी जैसे हो कथा सुनने से, तो याद रखिए सीमेंट की सड़क पर चलोगे कभी भी निशान नहीं पड़ेंगे आपके पैरों के सड़क पर, लेकिन अगर समुद्र के किनारे किसी बालू कोमल मिट्टी पर आप अपने चरण रखोगे आपके चरणों की छाप उस पर छूट जाएगी। वैसे ही अगर कठोर मन से कथा सुनोगे इस 7 दिन में एक भी बात पल्ले पड़ने वाली नहीं, लेकिन अगर मन को कोमल करके कथा सुनोगे तो परीक्षित जैसे 7 दिन में ही आपके हृदय में कृष्ण प्रेम के चरणों की छाप छूट जाएगी। तो इसलिए इन 7 दिनों में मन को कोमल करके मन को समझाओ, ये जो मन है ये बड़ा बड़ा चंचल है, कथा में तो बैठे हो लेकिन ये तो आपको ही पता है कि आपका मन कहाँ है, ये तो आप ही जानते हो। लेकिन इन 7 दिनों में आपको मन को क्या करना है, आपके घर में बच्चे होंगे, बच्चे रोते हैं, आप क्या करते हो बच्चों को समझाने के लिए, बेटा चुप हो जा बाद में तुझे 2 रुपए की टॉफी दिलाऊंगी। बच्चे को टॉफी का लालच आ जाता है, बच्चा तुरंत चुप हो जाता है, मम्मी टॉफी दिलाएगी। वैसे ही इन 7 दिनों में इस मन को कहो कि अरे बेटा तू 7 दिन जरा शांत रहे, 7 दिन के बाद तू जो कहेगा हम करेंगे, 7 दिन बस कथा सुनने दे, फिर 7 दिन के बाद तेरी सारी इच्छा पूरी होंगी, करो मत करो वो बाद की बात है। लेकिन इन 7 दिनों में इस मन को बच्चे की तरह समझा के रखो, कोमल बना के रखो, तभी इस श्रीमद् भागवत की छाप आपके ऊपर छूट सकती है। तो इस तरह श्रीमद् भागवत का महत्व श्रवण कराया, आप सभी ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से उसको श्रवण किया। आइए अब हम सभी आज कथा का जो प्रथम दिन है, आप सभी ने उसका बड़ा भाव से आनंद लिया, आप लोग कलश यात्रा में गए, आप यहाँ पर कथा के लिए पधारे, तो कल आप सभी अभी तक जो आपने सुना ये भागवत की महात्म्य है, क्वालिटी है, क्यों सुने, क्या सुनने से फायदा है। कल से जो आप सुनेंगे वो व्यास जी ने जहाँ से भागवत को लिखना प्रारंभ किया वो कथा आप लोग कल से प्रथम स्कंद में हम कल प्रवेश करेंगे, उसका आप हम सभी मिलकर श्रवण करेंगे। आइए कथा को विश्राम देते हैं, उससे पहले हम सभी 5 मिनट भगवान नाम का कीर्तन करेंगे, और आप सभी से प्रार्थना है कथा का जो समय है वो
10 बजे से 12:30 बजे तक है। तो आप लोगों को कथा के पांडाल में जो आना है वो 9:30 बजे आना है। 9:30 बजे यहाँ पर भजनों का आप आनंद लेंगे, 10 बजे, क्योंकि कोई देरी नहीं होगी। कहीं सोचोगे 10 का टाइम है तो चलो आराम से 10:30 तो बज ही जाएंगे, 10 मतलब 10। तो 10 बजे कथा का प्रारंभ होगा। आप सभी भाव श्रद्धा से आए, खुद आए, पड़ोसियों को भी पकड़ पकड़ के लाएं कि चलो कथा सुनो, देवड़ा कॉलोनी में कथा हो रही है, आप भी उद्धार करो। आइए सभी पार्श्व भगवान नाम का कीर्तन करेंगे, सभी भाव श्रद्धा से गाते हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। Yeah.
आइए सभी दोबारा हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री हम सभी ने मिलकर प्रथम दिवस की कथा का दर्शन श्रवण किया और सभी ने पुण्य लाभ अर्जित किया। आप सभी जो भी आज प्रथम दिवस में इस पंडाल में विराजे हैं, पधारे हैं, सभी श्रद्धालु भक्त लोग, सभी माताएं बहनें, कल समय का विशेष ध्यान रखें और अपने साथ अपने परिजनों को, अपने इष्ट मित्रों सहित पधारें। आरती के लिए सम्मानित श्री एम डी पटेल साहब से निवेदन करेंगे। कथा के जो मुख्य यजमान हैं मंच पर पधारें और जिन भक्तों का मैं नाम उद्घोष कर रहा हूं कृपया वो ही मंच पर पधारें। सम्मानित श्री सेवा भाई जी निवेदन मंच पर आएं और आरती में सम्मिलित हों। आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी से निवेदन अतिशीघ्र मंच पर पधारें। सम्मानित श्री दिलीप सिंह जी, आदरणीय सुरेश भाई जी मास्टर साहब, सम्मानित गट्टू बापू जी, आदरणीय एमएलवी साहब दामोर साहब, सम्मानित हीरा भाई जी और साथ में नंदाबेन से भी मैं निवेदन करूंगा अतिशीघ्र मंच पर पधारें। और आप सभी माताओं से, सभी श्रद्धालु भक्तबंधु से निवेदन, आरती के बाद ही प्रस्थान करें। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रभु का ध्यान करें, आरती का दर्शन करें। जय श्री कृष्ण, श्री राधे। ओम चंद्रमा मनुषो जात चक्षो हो सूर्यो अजायता श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती मुकुटी प्यारे शीश पे सो
जाओ देख छबी में तो बलि बलि जाओ राधा वल्लभ तेरी आरती गाओ राधा वल्लभ तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं चरणों के में दर्शन बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ व्यासदास के नाथ आप हो व्यासदास आप सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो उन चरणों में मैं शीश नवा उन चरणों बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं संगी सोहे ब्रज भान दुलारी संगी सोहे ब्रज भान दुलारी ललिता दिक सब सखिया प्यारी ललिता दिखी सब सखिया प्यारी बास सदावर दावन पाओ बास सदावर दावन पाओ राधा रमण तेरी आरती गा राधा रमण तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे बल बल जाओ देख युगल छवि बल बल जाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती आपको मनाओ आपको मनाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं हो तेरी आरती गाऊं हो तेरी आरती गाऊं हो तेरी आरती गाऊं हो तेरी पृथ्वी शांतिराप शांतिरोखदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि
हरि ओम जतने नजनमय जंद देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः तेहनाकं महिमानः शजन्द जद्र पूर्वे शाध्याः शन्ति देवाः हरि ओम एकदन्दाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्दिः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम लक्ष्मी नारायणाय विद्महे ब्रह्मवर्मणि च धीमहि तन्नो परमात्मा प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परम हंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात् नाजामि पूजनमहं नहि शास्त्र सिद्धिं शक्ति स्तुते हरिचिता मम सर्वतश्च पुष्पांजलिर्भगवतः शरणाब्जयोस्ते संदीयते परिगृहाण विसृज्य दोषान् नानाशुगंधपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया धत्वान् गृहाणा परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीभागवत् प्राणपुरुषोत्तमाय नमः बोलिए भागवत महापुराणे की वृंदावन बिहारी लाल की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की राधा रानी की सद्गुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गौ माता की गौ माता की गौ माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।